और अगली खबर ले लेते हैं। एनआईए की छापेमारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक में एनएसए, गृह सचिव और एनआईए के डीजी भी शामिल हैं। एनआईए ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी लगातार एनआईए की टीम की जारी है और बैठकें भी जिसके बाद हो रही हैं। आपको बता दें, एनआईए ने दिल्ली पीएफआई प्रमुख और उनके भाई को गिरफ्तार किया है, जबकि दिल्ली कार्यालय को सील कर दिया गया है। कई अन्य शहरों में पीएफआई कार्यालयों को भी सील कर दिया गया है। 100 से ज्यादा टॉप नेता जो है, शीर्ष नेता जो है पीएफआई के, उन्हें और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। ईडी कुछ राज्यों में एनआईए की मदद कर रहा है। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए गृहमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस बीच पीएफआई नेता सड़कों पर उतर रहे हैं और देशव्यापी छापेमारी का विरोध करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि जो छापेमारी हो रही है वो दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जा रहा है। PFI is an extremist organization. Even the High Court of Kerala has said so. And therefore they are an imminent danger to the integrity of the country. And these people are funded hugely from abroad. All these gold smuggling which takes place, all that funding I'm sure is going into the PFI. They're extremely dangerous. And especially the focus, the kingpin of this organization are in Kerala, and of course now they are spreading their wings across the country, and I think it was really the apt time for the government of India to take these actions. And now I hope it just doesn't end up in banning the PFI alone, because banning means they will, you know, another organization with another name will pop up with the same people. I think we just need to get to the roots of these people. First of all, we strongly condemn this raid conducted by the NIA without any proof against us. There should be some issues or some proof which, based on which they should come and raid our office. So there is no base, and they are creating some baseless reasons to raid our office. 7 बजे फिर जबरदस्ती गेट पीटा उन्होंने, गेट खोली, बस वाजी होती थी, मतलब गेट खोली, बस इतना ही कह रहे थे। मैं कह रही थी पहले मैं हाई नहीं, तो मैं गेट खोल के क्या करूँ, इतने वो घर के अंदर ही है। मैं वादे, इस पर बहुत सारे पुलिस आ गए, यहाँ पे लेडीज भी आ गए, और मैं अगर आप गेट नहीं खोलेंगे तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊंगा, मुझे सब हक है। रेड पर आपको बता दें, हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, नेहा हिबाले हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ रही हैं और मयंक हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मयंक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में भी किन किन जगहों पर एनआईए की टीम ये रेड कर रही है, बड़ी रेड है अब तक की। जी मयंक, आपको आवाज आ रही है? जी, क्या आप अपना क्वेश्चन दोहरा सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल मयंक, यही बात मैंने पूछा कि दिल्ली में भी और दिल्ली समेत कई जगहों पर एनआईए की टीम की जो रेड चल रही है, 100 से ज्यादा जगह, दिल्ली में किस तरीके की हलचल देखी जा रही है मयंक? जी देखिए, ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन है और अभी हम करंटली अभी खड़े हैं, ये रेसिडेंस है परवेज अहमद जी का, ये पीएफआई के दिल्ली प्रेसिडेंट हैं, और अगर आप देखेंगे तो मतलब एंड वन कैन से दैट दिस इज अ मैसिव क्रैकडाउन बाय द इन्फोर्समेंट एजेंसीज, बिकॉज अराउंड 2:30 PM अराउंड दिस लेन, एज फार एज वी कुड गैदर फ्रॉम द कन्वर्सेशन फ्रॉम द लोकल and the neighbors of Parvez Ahmed, some 200 paramilitary personnel were deployed in and around all this area where Parvez Ahmed resides, and then the team of ED started conducting searches at around 3:30, and the team of the enforcement directorate left the residence of Parvez Ahmed at around 7:30, picking him up and taking him to the ED custody. Remember, there have been multiple complaints against PFI, and it has always been under the radar of the enforcement agency. The NIA, National Investigating Agency, had written a dossier against PFI in 2017 and submitted to the Union Home Ministry calling for its ban, because saying that, you know, it runs on the agenda of communalizing Indian electorate and trying to infiltrate Taliban's version of Islam in India. So on those accounts, the PFI, the Popular Front of India, has always been on the radar, and this is a massive crackdown again across India in many states, leading to arrest of more than 100 leaders of the Popular Front of India, including Parvez Ahmed, the president of the Delhi. Remember, Mr. Ahmed was also arrested in the aftermath of the Northeast riots in Delhi in 2020, when police started
crackdown, saying that, you know, he orchestrated a protest that led to violent riots across the Northeast district in the national capital. So this is a massive development, massive crackdown, and Parvez Ahmed has been picked up by the enforcement directorate officials. जी बिल्कुल मयंक हमारे साथ बने रहिए, रुक करेंगे नेहा हिबाले का. नेहा बताइए, क्या कुछ सुबह से ही एनआईए टीम की ये रेड चल रही है वहां पर, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक हमको ये जानकारी है कि कर्नाटक से 20 लोग को अभी डिटेन किया गया है एनआईए के रेड्स होने के बाद. इनफैक्ट रेड्स कल रात को ही 3 बजे सुबह के 3 बजे शुरू हुए थे, ये भी जानकारी है. इसके अलावा अगर हम आपको बता दें कि कर्नाटक के 7 डिस्ट्रिक्ट में आज रेड्स हो रहे हैं, यानी कि बेंगलुरु, मैसूर, उत्तर कन्नड़ा, कलबुर्गी, कोप्पल और बाकी अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे रेड्स हो रहे हैं आज. लेकिन ये अभी देखना होगा कि जैसे जैसे हम देख सकते हैं कि रेड्स आगे बढ़ रहे हैं, कर्नाटक में प्रोटेस्ट भी जो हो रहे हैं पीएफआई मेंबर्स से, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स से, वहां पे भी हमने देखा कि सिर्फ कलबुर्गी में ही नहीं लेकिन मंगलूर में भी कैसे आज सुबह से ही प्रोटेस्ट चालू है. वहां पे बेंगलुरु में भी, जहां पे कैपिटल सिटी जो है, यहां के इनफैक्ट लोकल पीएफआई ऑफिस में भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे जब रेड्स ऑन थे तब. तो ये सब को देखकर ऑफकोर्स एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर के जो आज इनफैक्ट क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके बारे में तो पुलिस ने बोला हुआ है कि कुछ भी इनफैक्ट डिस्टर्बेंसेस नहीं रहेंगे. लेकिन ये देखना बाकी होगा कि और लोग की गिरफ्तारी होती है यहाँ पे. हमको ये भी जानकारी आ रही है आज दिल्ली से, जैसे मयंक भी बता रहे थे और बाकी रिपोर्टर्स जो है इनफैक्ट वो भी बता रहे थे कि ओवरऑल दिल्ली, कर्नाटक और केरल से ऑलमोस्ट अभी 60 लोग से भी ज्यादा लोगों को इनफैक्ट अरेस्ट किया गया है. और इसी को आज इनफैक्ट आक्रोश दिखाते हुए हम देख सकते हैं कि कैसे आज रोड्स पे, आज स्ट्रीट्स पे पीएफआई के इनफैक्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं. यहाँ पे मेन दो ही एंगल जो इनफैक्ट सोर्सेज ने बताया है जो इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, एक तो ये है कि ये जो मेंबर्स हैं इनफैक्ट इनको फंडिंग कहां से मिला था, जो लोग आज रेड हो रहे हैं उनको फंडिंग कहां से मिला था टेरर एक्टिविटीज और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज करने के लिए. और दूसरी बात ये कि चाहे कोई भी ग्रफिटी हो या पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो, प्रोटेस्ट हो, इस सब में इनफैक्ट क्या इनका कोई भी रोल है पूरे क्राउड्स को शामिल करने में और एंड लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में. तो ये सब आज इनफैक्ट इन्वेस्टिगेट हो रहा है और जिन लोगों के घर पे रेड हुआ था उन सबको आज डिटेन किया गया है, बहुत सारे लोग को, और आज इनफैक्ट उनकी क्वेश्चनिंग चल रही होगी एनआईए की तरफ से. जी नेहा हेबाले बने रही है हमारे साथ और श्वेता वर्मा इस वक्त हमारी सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं. श्वेता, ये पूरा पैन इंडिया जिस तरीके से रेड चल रहा है, मुंबई में भी कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, कई एंगल की जांच की जा रही है, इसमें एनआईए की टीम के साथ साथ ईडी भी कई जगहों पर इन्वॉल्व दिख रही है. जी बिल्कुल श्वेता, देखिए इस तरीके से हम आपको पहले तो तस्वीरें दिखा दें जो हमें महाराष्ट्र के नेरुल से साफ तौर पर नजर आ रही है. तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर एनआईए के अधिकारी एवं ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं. जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, 20 से अधिक लोगों पर नकेल कसी गई है. इसके साथ ही यहाँ पर आप लोकल पुलिस की भी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ से देख पाएंगे. आपको बता दें तकरीबन रात को 3 बजे यहाँ पर जो एनआईए के अधिकारी है वो पहुंचे और लगातार यहाँ पर जो छापेमारी है वो जारी है श्वेता. इसके साथ ही हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, यहाँ पे कथित तौर पे ये देखा जा रहा है कि कुछ सब्सटेंशियल एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है. कई बार ऐसे हमने देखा है कि जिस वक्त यहाँ पर ये जो रेड हम देख रहे हैं ये समूचे भारत के 14 राज्यों में हो रही है और यहाँ पे टेरर फंडिंग का मामला उठकर सबसे पहले सामने आया है. और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है. तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको प्रवीण दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कई घंटों से लगातार हम आपको बता रहे हैं श्वेता, यहाँ पर जो रेड है वो चलती जा रही है. यहाँ पे 5 अधिकारी मौजूद हैं, उनके साथ एक महिला अधिकारी भी मौजूद हैं. आसिफ शेख नाम के एक शख्स हैं जो ऑफिस बेरर हैं पीएफआई के, उनसे लगातार पूछताछ जारी है और 4 लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया गया है. श्वेता बिल्कुल, श्वेता आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नेहा हिबाले और मयंक आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए. तो आपको बता दें कई राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम ये रेड कर रही है, पीएफआई के ठिकानों पर ये रेड चल रही है, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.